कस्टडी हुई है क्या प्रथम दृष्टया क्या किस आधार पर किस मेरिट पे उन्हें जेल भेजा गया सर? देखिए जुडिशियल कस्टडी इसलिए होती है जब ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि पुलिस कस्टडी का अभी कोई जरूरत नहीं है जी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है जी, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है अक्यूज की एब्सेंस में भी कर सकती है। ओके, इसकी वजह से कोर्ट को लगा कि अक्यूज की पुलिस कस्टडी में कोई जरूरत नहीं है, जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है उसकी एब्सेंस में भी हो सकती है। इसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दी। किन किन धाराओं में उनके ऊपर आरोप लगाए गए? उनके अगेंस्ट में पहले जो FIR होती 6 तारीख को रात को, मतलब 7 तारीख को जी, उसमें जो सेक्शन लगे थे वो 406 थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 323 था असॉल्ट, 504 और 506 धमकी देने का मामला था। उसके बाद पुलिस आदि को लेके आई पुलिस स्टेशन में, सेक्शन 41 का नोटिस जो इशू होता है पुलिस ने पुलिस स्टेशन में ही उसको दिया, रिसीव कराया। उसके बाद आदिल का डिटेल्ड स्टेटमेंट लिया गया, सारे एलिगेशन मद्देनजर रखते हुए, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट जो भी है ट्रांजेक्शन्स वगैरह, आदिल ने उसका पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, जवाब दिया, और उसने अपना सारा बैंक डिटेल वगैरह सारा शेयर किया। और पुलिस को ये भी बोला कि सर आप इसमें जो भी है जो भी लेन देन है आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसमें मैंने पैसे लिए नहीं बल्कि मैंने पैसे खर्च किए, ह्यूज अमाउंट खर्च किए, अराउंड 90 लाख मैंने ऑलरेडी खर्च किए हुआ, अपार्ट फ्रॉम द गिफ्ट वगैरह जो भी दिया है, तो पूरा कोऑपरेट किया। सर राखी जी ने जो आरोप लगाया है उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने उनके लिए किया है, राखी ने तमाम खर्चे उनके ऊपर किया है, आदिल ने उनके ऊपर कुछ नहीं किया है, आदिल ने उनके साथ मारपीट किया है, कुछ ऐसा? देखिए वो क्या कहती है उससे मुझे मतलब नहीं, मेरा क्लाइंट क्या कहता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात रही बात मारपीट की, तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट में भी कल सबमिशन में ये बोला था कि इनफैक्ट विक्टिम वो कल्प्रिट नहीं है, मारपीट के मामले में खुद विक्टिम है, उसकी बॉडी में पूरा कितनी जगह पे चोट के निशान है। जब मेडिकल हुआ था तभी मैंने उसको बोला भी था कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन, मैंने कोर्ट में भी सबमिशन किया था कि सर कितने मार्क्स हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि जो इंजरी हुई है कैसे हुई है कितनी पुरानी है, तो उसके साथ मारपीट होती थी, इसकी वजह से ही ऑब्वियसली उसके इतनी चोटें आई। सर क्या आपने बेल के लिए अप्लाई किया है? बेल के लिए हमने जैसे ही जुडिशियल कस्टडी हुई थी हमने कल ही अप्लाई कर दिया था, और ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू किया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और पुलिस को और उनके से के लिए। आज हियरिंग होनी थी लेकिन ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पे हैं, हम कल कोशिश करेंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट हियरिंग पे बाद में अगर कोर्ट ने मना कर दिया बेल के लिए तो आपका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए पहला तो हम कॉन्फिडेंट है कि हमको यहाँ से बेल मिल जाएगी ऑन मेरिट्स, जो भी है केस के उसको देखते हैं, इनकेस अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो भी है हमारे पास में ऑप्शन है, हमारे पास इससे उसको कोर्ट पहुँच। तो आप अभी आपका नेक्स्ट प्लान है कि आप बेल के लिए जाएंगे? बेल के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं जी, इस पर हियरिंग होनी है, अब अगर कल जैसा आप आते हैं कल। थैंक यू सर। आदिल से आप मिले उनका क्या रिएक्शन था? आदिल का रिएक्शन यही था कि मतलब थोड़ा सा इमोशनल था आज, पेरेंट्स को अपने मिस कर रहा था, और बाकी यूजुअल जो भी है मैटर से रिलेटेड डिस्कशन। परिवार से कोई आने वाला है कुछ जानकारी है? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, वो लोग से बातचीत होती रहती है, वेलबींग के लिए अपने बच्चे के लिए फ़ोन करते रहते हैं। Thank you. Thank you.